जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चिल्ली चने। उसके लिए हमने 8-10 घंटे भिगो के सफ़ेद चने ले लिए हैं। इनको अब हम कुकर में डाल के बॉईल कर लेते हैं। इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डाल देते हैं और इसको 3-4 सीटी आने तक पकने देते हैं। ये हमारे चने में 3 सीटी आ गई। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इस जो गैस इसमें अभी है उसको अपने आप रिलीज होने देते हैं। ये हमारे चने बॉईल होके तैयार हो गए हैं। अब इनका हम पानी निकाल लेते हैं। इनका पानी पूरा निकाल के अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। इस ये पानी भी आप ठंडा करके अगर आप प्लांट वगैरह लगाते तो उसमें डाल सकते हैं। अब हम इन चनों पे आरारोट पाउडर के कोट चढ़ाएंगे। ये देखिए अब हमारे सभी चनों पे आरारोट पाउडर की कोट चढ़ गई है। अब हम इन चनों को फ्राई करेंगे। ये हमने चने फ्राई करने के लिए मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप चाहे तो जो भी आप तेल यूज करते हो वो ले सकते हो। तेल हमें अच्छा गर्म चाहिए। हमारा तेल गरम हो गया है और इसको चेक करने के लिए इसमें हम एक चना छोड़ के देख लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसमें चने छोड़ते जाएंगे और इनको हिलाते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे चने पक्के तैयार हो गए हैं। अब चाहे तो देखिए इनकी आवाज। इसी तरह से हम अपने बचे हुए चने तल लेंगे। सारे चने हमने फ्राई कर लिए हैं। अब इनको हम क्रिस्पी बनाते हैं। ये हम 2-3 टेबलस्पून तेल ले लेंगे।
इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च जो बिल्कुल छोटी छोटी हमने काट ली है, ये डालेंगे हम। ये थोड़ा सा अदरक जो हमने कद्दूकस करके लिया है, आप चाहे तो इसका पेस्ट बना सकते हैं। ये हमने 4-5 काट लहसुन के लिए हैं, ये भी हमने बारीक बारीक काट ली हैं। इनको हम 20-25 सेकंड भून लेंगे। गैस हाई रखेंगे। ये मैंने एक छोटा प्याज लिया है, ये भी बारीक बारीक काट के लिए है, इसको भी हम भून लेंगे। ये हमने बिल्कुल छोटा सा शिमला मिर्च का टुकड़ा लिया है, उसको भी छोटा छोटा पीस में काट लिया है। इन सब को हम 15-20 सेकंड भूनेंगे। ये हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक लेना, मैंने आधा छोटा चम्मच लिया है। नमक हमारा सॉस डालेंगे उसमें भी होगा। ये मैंने एक चम्मच चीनी ली है टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। काली मिर्च भी डाल सकते हैं। ये मैंने टोमेटो केचप लिया है 2 चम्मच। ये थोड़ा सा सोया सॉस लिया है फ्लेवर देने के लिए। चिल्ली सॉस ली है। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए हमारी सॉस पक रही है, उसका कलर भी एकदम रिच आ रहा है। ये हमने 1 चम्मच नींबू का रस लिया है, आप चाहे तो वेगनर भी ले सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा पानी मिलाएंगे। ये हमने थोड़ा कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको हम धीरे धीरे करके मिलाएंगे। इससे हमारा कलर एकदम इसका रिच आएगा। अब हम अपने चने इसमें मिला देंगे।
इसमें हमें थोड़ा हरा धनिया मिला देंगे। हमारे क्रिस्पी चिली चने बनकर तैयार है। गैस बंद कर देते हैं। इसको हम थोड़ा हरा धनिया डाल के सजा सकते हैं।